दोस्तों आज हम आप पहुंचे हिंदुस्तान के सबसे बड़ी पत्थर कारखाने में, जहां पर बड़े बड़े पहाड़ों में से पत्थर लाया जाता है। उसके बाद बड़ी बड़ी मशीनों में इसकी फिनिशिंग और इसकी कटिंग होती है। इस काम के करने के लिए काफी मेहनत और संघर्ष लगता है। चलो जानते हैं पूरा प्रोसेस और भाई से करते हैं बातचीत। भैया राम राम। राम राम जी। राम राम भैया, अपना नाम बताओ एक बार। मेरा नाम सर कमल शर्मा है। करते क्या हो आप, समझाओ थोड़ा सा। सर हमारे यहाँ आयरन द्वारा मार्बल आता है, फिर उसके बाद में हमारे यहाँ मशीन पे आते हैं। इनके बारे में बताओ कौन कौन से हैं ये। इस ब्लैक है, ये नेचुरल स्टोन है, और ये पाचलवाड़ा है। ये क्रेन जा रही है पत्थर को लोड करने के लिए, अपने सीधे कटर पे लेके आएंगे। तो ये है वो कटिंग मशीन। भैया जी थोड़े से ब्लेड के बारे में बताइए, कौन कौन से लग रहे हैं इनमें। सर ये ब्लेड अलग अलग साइज के ब्लेड्स लगते हैं काटने का, और रियलिटी में काम करते हैं ये सेगमेंट। ये छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं, ये मोस्टली हमारे पास चाइना से इंपोर्ट होते हैं। चाइना से? हाँ। अच्छा। इनके कुछ टाइम तक इसकी चलने की वैल्यू रहती है जी। जैसे एक ये ब्लेड्स में सेगमेंट लग गए तो ये हमारे पास 10 से 12 दिन तक ये ब्लेड्स में चलते हैं। अब ये कटाई होने के बाद में ये पत्थर आएगा, जो पतला पतला पत्थर रहता है उसकी चौड़ाई की जाएगी। 24 पट्टी की मशीन है जी। इसमें एक एक टन की एक एक पट्टी रहती है, ठीक है। जिससे क्या है कि मशीन ये पत्थर की पॉलिश करती है, ऐसी ब्लेड चलती है। अब ये ब्लेड क्या है कि थोड़ा दबाव के कारण ही चल पाती है, इससे क्या है पॉलिश होती है। 2 से 3 mm पत्थर की कटाई होने के बाद में बढ़िया फिनिशिंग। कितने ब्लेड लग रही होंगी? सर इसमें 24 ब्लेड होती है। ये अभी अंदर तो वो इसकी कटाई हुई है, ठीक है, और पॉलिश आई है, ठीक है। उसके बाद में ये इसका क्या है कि जो वेस्टेज मटेरियल रहता है, मिट्टी रहती है, वो उसको हटाने का काम यह करती है। अच्छा, इसे बिल्कुल प्लेन कर देगी, स्मूथ कर देगी। प्लेन कर देगी, ये बिल्कुल फाइनल हो गया। इसके बाद भी होगा कुछ? इसके बाद में केवल एक फाइनल किया जाता है जी, जिससे क्या है कि थोड़ी मिट्टी मिट्टी वगैरह लगी रहती है वो हटाई जाती है। अब ये जाएगा लोड पे जमने के लिए। तैयार हो चुका है बिल्कुल? ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये हमारे स्टॉक यार्ड में जाएगा जहाँ से इसका सेल करते हैं जी। हमारे पास ग्रेनाइट में 50 से प्लस क्वालिटी है। टी वाइट है, एस वाइट है, सी वाइट है, और ग्रेनाइट्स में जैसे चीमा है। नेचुरल कलर में हमारे पास 20 वेरायटी है, ठीक है, और कलर्स में ले तो 30 वेरायटी है अपने पास। ये हमारे बड़े भैया है जी। बिल्कुल आप एक बार भैया से कंप्लीट डिटेल लीजिए, क्योंकि भैया शोरूम देखते हैं, मेरा काम है मैन्युफैक्चर मशीन्स वगैरह देखने का। ओके, चलो आगे की बात हम भैया से करते हैं। बिल्कुल भैया समझाइए कि यहाँ कौन कौन से टाइप है, क्या क्या क्वालिटी है, और आप कैसे इन्हें मैनेज करते हैं और कैसे इन्हें सप्लाई करते हैं। ये अपना स्टॉक यार्ड है प्लस शोरूम है जी, और यहाँ पे नंबर ऑफ कलर्स अपने पास में नेचुरल वेराइटीज भी है, और अपने पास में ब्लैक, ब्राउन एंड नेचुरल व्हाइट वगैरह में हर प्रकार की वैरायटी मिलेगी आपको। ये मार्किनो ब्राउन्स में इसका ब्लॉक थोड़ा शेड उसका ब्राउन टाइप था, तो इसे मार्किनो ब्राउन बनाया गया है। ओके। ये एक तरीके से इसे अपन मार्केट में रोजी गोल्ड के नाम से भी बिकता है। ये कलर आप करते हो या ऐसे आते हैं, नेचुरली आते हैं? ये नेचुरली आते हैं मोस्टली, बट इन पे एक प्लेन अपोक्सी का हाथ किया जाता है, उससे शाइनिंग और बढ़ जाती है। ये मार्केट में स्टार ब्लैक के नाम से भी लॉन्च किया अपन ने, बहुत ही अच्छा कलर है, ब्लैक कलर है, और इसके रेट्स वगैरह भी अच्छे हैं, पॉलिश बहुत अच्छी आती है। तो भैया जो भी कस्टमर देख रहे हैं अगर वो आपसे संपर्क करना चाहे तो वो कैसे संपर्क करेंगे? अपना परमानेंट एड्रेस और फोन नंबर बताओ। सर हम जैसे कि आपको पता है हम राजस्थान के अजमेर डिस्ट्रिक्ट के किशनगढ़ मंडी से बात कर रहे हैं आपसे जी, जिसका पिन कोड है 385810। ओके। और अपना परमानेंट एड्रेस है मार्बल इंडस्ट्रीज एरिया, मकराना रोड फर्स्ट जी, फेस नंबर 2nd में। ओके। फोन नंबर और बताओ अपना। और सर मेरा फोन नंबर है 9602973220 जी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और बताएं। जल्दी मिलता हूँ और भी बढ़िया और बेहतरीन वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।